हेलो एवरीवन, इट्स मी ईशान। इट्स मी प्रीति। आज कुछ खास दिन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आज खास दिन है। आज ईशान का बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे ईशु। थैंक यू सो मच, इट्स माय बर्थडे टुडे, दैट इज 16th ऑफ दिसंबर एंड आई फील सो हैप्पी दैट ईच एंड एवरीवन मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं। आई फील सो स्पेशल टुडे एक्चुअली। आपके गेस्ट की बात की जाए तो बहुत से आपके गेस्ट आए हुए थे, उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कुछ। एक्चुअली फॉर मी ईच एंड एवरी वन इज़ सो स्पेशल बिकॉज सभी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो सेलेब्स हों चाहे वो मेरे नॉर्मल बैक कैमरा फ्रेंड्स हों। ईच एंड एवरी वन इज़ सो स्पेशल फॉर मी, चाहे वो सुरभि तिवारी जी हों, नैरी जी हों, संभावना सेठ हो, ऑल आर वेरी स्पेशल फॉर मी। बर्थडे है आपका लेकिन दो दिल एक जान, बर्थडे पे सिंगल देखा जाता है लेकिन आप दोनों फोटो शूट करा रहे हैं, क्या है? मुझे खुशी होती है और मेरा टारगेट है मैं इनसे भी ज्यादा सुंदर बन जाऊँ। तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि बर्थडे किसका है। या एक्चुअली इवन टुडे आल्सो लाइक व्हेन ईच एंड एवरीवन इज कमिंग सब पूछ रहे थे कि अरे बर्थडे किसका एक्चुअली। ईशान, इट्स योर बर्थडे और इट्स प्रीतिस बर्थडे टुडे। आई फील लाइक मेरा भी बर्थडे है। हाँ सीरियसली, मुझे एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी बर्थडे आज ही है और मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे अपने बर्थडे वाले दिन शायद इतनी खुशी नहीं होती जितनी मुझे आज के दिन होती है। थैंक यू सो मच। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं? We both from Chandigarh, but like after being on India's Got Talent and like so many reality shows, we both in like Mumbai only now. Same, we were neighbor in Chandigarh. क्या दोनों आए थे? अभी जोड़ी की बात करें, जोड़ी कैसे एक नाम, दोनों में एक दूसरे का नाम साथ में ले जाता है, ऐसा क्या? आप सारी अब नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अभी तो हम लोग पिछले 11 साल से एक साथ हैं और अभी हम छोटे बच्चे हैं यार, अभी शादी की उम्र नहीं है हमारी। तो कब होगी उम्र फिर? अभी वेट है, वो इंडिया को थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, आपकी स्टाइल की बात की जाए तो एक्चुअली बहुत डिफरेंट लगता है, यू नो लाइक हेयर स्टाइल चलने का हर चीज़। तो क्या कहना चाहेंगे लुक्स के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इट्स नथिंग लाइक दैट कि वो बहुत ज़्यादा बहुत फैसिनेटिंग किया गया है या किसी को देख के किया गया है या हम लोग किसी से इंस्पायर हैं। इट्स आर ओन स्टाइल एक्चुअली और जो मन में आता गया वो लोग वो चीज़ हम लोग करते गए, चाहे वो इंडियाज गॉट टैलेंट हो चाहे या फिर वो शाहरुख खान सर के साथ ऐड हो, जो मन में आता है जो हमारे मन में आता गया हम लोग वो करते गए और फिर वो एक स्टाइल सिंबल बन गया। और आज मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, काफ़ी लोग मुझे कॉपी करते हैं और काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं ईशान सर वी लव योर स्टाइल, वी लव द वे यू आर। सो आई फील सो गुड दैट कि हाँ, जो चीज़ की शुरुआत हुई थी गोल्डन बालों से, ब्राउन बालों से, आज वो सिल्वर पे पहुँच चुके हैं और लोग कम से कम ब्राउन या गोल्डन बालों पे तो पहुँच ही गए हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली, पार्टी में एक भड़क गए थे कोई सवाल पूछने पे एक पत्रकार पे, क्या था वो, उसका जवाब क्या था? एक एक्चुअली शो था मिस्टर एंड मिसेस मुंबई करके, सो मैंने एक कंटेस्टेंट से पूछा था दैट एक्सप्लेन मी द वर्ड वर्जिनिटी। सो उसको लेके कुछ मीडिया का रिएक्शन था कि व्हाई ईशान इज आस्किंग दैट क्वेश्चन। सो फॉर मी इट्स वेरी नॉर्मल, अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि अगर एक कॉन्टेस्ट है एक्चुअली फुल ब्यूटी को लेके, तो इसमें अगर पूछ भी लिया जाए कि एक्सप्लेन मी द वर्ड वर्जिनिटी, सो फॉर मी इट्स वेरी नॉर्मल। इंडिया के लिए या फिर इंडियन ऑडियंस के लिए वो थोड़ा सा एक्साइटिंग हो सकता है, बट फॉर मी इट्स वेरी नॉर्मल। मैं ये कहना चाहूंगी अगर वो चीज है तो अगर उस पे क्वेश्चन कर दिया तो क्या बुरा है, वो चीज है तो उस पे क्वेश्चन किया है। एग्जैक्टली, ऐसा तो नहीं। क्या धमाल मचाने वाली मुंबई में, बॉलीवुड में कितने कब से हैं मुंबई में? अभी तो 4 साल हो चुके हैं और अभी तो सिर्फ शुरुआत है कह सकते हैं, और जिस तरह से हम लोग धीरे धीरे बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, ईशान एंड प्रीति का नाम ऑलरेडी हो चुका है और काफ़ी अभी जैसे कि मेरा भी लेटेस्ट सॉन्ग आया है रश के कमर का सालसा वर्जन, इट जस्ट रिलीज और इट्स स्टिल गोइंग ऑन, अभी बहुत कुछ बाकी है करना। तो सर डांस को लेकर कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप? सी माय मेन मोटिव इज नॉट ओनली डांस, बिकॉज डांसर्स बहुत ज़्यादा है हमारे इंडस्ट्री में, मैं नाम ले लेना चाहूँगा, बहुत सारे फेमस डांसर्स हो चुके हैं अभी, बट मेरा एक मानना है एक ऐसी शख्सियत बनना इंडिया में जो पहले ना हुई है ना होगी और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा एक्चुअली। मुझ मेरे और प्रीति जैसा ना मैं कोई होने नहीं दूंगा एक्चुअली।
हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि द मोस्ट फैशनेबल, मोस्ट लवेबल, मोस्ट सेंसुअस एंड मोस्ट अट्रैक्टिव जोड़ी ऑफ इंडिया। अब तैयार होने में बहुत टाइम लगाते हैं, क्या चीज है मतलब आईलाइनर से लेके हर चीज करते हैं? ये मैं बताऊंगी, ये रेडी होने के लिए ओ गॉड नहीं, एक्चुअली ज्यादा टाइम लगता होगा आपको देख के, लगता है वो आई थिंक लड़कियों से ज्यादा टाइम लगता होगा, क्या देख के लगता है ना? हाँ बस यही बात है। मैं कह सकती हूँ कि मैं पूरा दिन अपना पूरा सब काम फिनिश करने के बाद अगर किसी मीटिंग में जाना है, मैं रेडियो के गेट पे खड़ी हो जाती हूँ और ये वापस लगे ही होते हैं मेकअप के लिए। तो यार एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी है यार, और अगर कोई इतना सब कुछ करने से इतना अट्रैक्टिव दिख सकता है तो इसमें बुरा क्या है? और इस चीज से मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छा है, पीपल अप्रिशिएट मी फॉर दैट, सो आई फील सो गुड कि हाँ जो मेरी जो चाहिए मेकअप करने के लिए बहुत सारा। या एग्जैक्टली, अब आती है स्ट्रगल की बात, इतना स्ट्रगल करना पड़ा आपको अपनी लाइफ के लिए, मैं अभी चल रहा है क्या है स्ट्रगल की लाइन आपकी जब से आपने चंडीगढ़ से शुरुआत की थी और आज एक्चुअली आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं? अगर बात मैं स्ट्रगल की बोलूँ तो स्ट्रगल जो मुझे लगता था वो मुझे पंजाब में लगता था, व्हेन वी वर बोथ परफॉर्म किए हैं हम लोग, काउंटलेस एल्बम्स कर चुके हैं, काउंटलेस शोज कर चुके हैं, सो उसका रिजल्ट अभी ऐसा कुछ खास आ नहीं रहा है, बट जैसे ही मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट किया तो उसका एक जो क्विक रिएक्शन जो एक ऑडियंस का मिला वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जो इंडिया ने हमें प्यार अब तक दिया है और जो देते जा रहे हैं बैक टू बैक वीडियोज़, बैक टू बैक शोज ऑन टीवी, सो या वो बहुत अच्छा है एंड आई feel so good to be here now in the okay, in your plans ki baat ki jaye to future plan aapne kuch aise decide kar rakha hai ki kya karne wale hain both of you hum plan actually मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि फ्यूचर में हम दोनों के नाम से एक बड़ा सैलून, स्टाइलिश एक सैलून जरूर होना चाहिए। आप जैसे देख रहे हैं मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, तो और एक सैलून भी हो जाए और एक बुटीक भी हो जाए, और उसके साथ साथ एक डांस अकेडमी जो है मैं खोलना चाहता हूँ, जहाँ पर डांसर्स को नॉट टू जस्ट डांस, सिर्फ ये ना सिखाया जाए कि डांस किस तरह करना है, उनको ये भी सिखाया जाए कि परफॉर्मर कैसे बनना है, एक बड़ा एक परफॉर्मर, एक लीड आर्टिस्ट कैसे बनना है वो सीखना बहुत जरूरी है, बेसिकली एक आर्टिस्ट कैसे बनना है वो सिखाया जाए। और डांस सब लोग करते हैं पर अपने डांस को हम लोग ऑडियंस तक पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं, उन्हें वो चीज़ फील होती है या नहीं होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने डांस फील को दूसरे तक पहुँचा पा रहे हैं दैट मीन्स कि हम एक रियल आर्टिस्ट, ट्रू आर्टिस्ट हैं। और जो हम अब तक करते आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जितनी भी डांस फॉर्म्स हैं, चाहे वो डुएट हो, रोमांटिक हो, सेंशस हो, और चाहे वो मस्ती वाली हमारी डांस परफॉर्मेंसेज हो, तो एक कपल की जितनी भी रूप होते हैं एक वो सब दिखे ऑडियंस को। बिग बॉस की बात करें, कहीं ना कहीं बिग बॉस आपने बोला कि बिग बॉस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ओके I love every season of Big Boss, और मुझे बहुत पसंद है Big Boss show, and I really want to do Big Boss, और उसमें जो विकास एंड शिल्पा आर माई बेस्ट कंटेस्टेंट्स, और हीना जो वैम्प का एक जो किरदार निभा रही है कहीं ना कहीं वो भी अच्छा है, घर में एक वैम्प का होना भी बहुत ज़रूरी है, सो जिस तरह घर में एक हर तरह का करेक्टर जरूरी है उस तरह बिग बॉस में इस बार भी हर तरह के करेक्टर्स हैं, चाहे वो शिल्पा का बहुत ज़्यादा क्यूट नेचर हो, बहुत ज़्यादा एंजेलिक नेचर हो, और विकास का बहुत मास्टरमाइंड हो, और हिना का वैम्प नेचर हो, और आकाश जैसा बंदर हो घर में जो वो है, ही इज़ द बंदर ऑफ बिग बॉस, हाँ तो या आई विश ऑल द लक फॉर ऑल द बिग बॉस कंटेस्टेंट्स। सो कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स देखने के लिए जो कि फ्यूचर में बहुत जल्दी होगा, तो वो मुझसे कुछ भी पूछते हैं बिग बॉस के बारे में, तो मैं उनको अपने बारे में बताता हूँ कि हाँ बिग बॉस में क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, शिल्पा क्या कर रही है, विकास क्या कर रहे हैं, एंड दे ऑल आर अग्री टू मी, अप्रिशिएट मी कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपकी पार्टी में क्या धमाल होने वाले, कौन-कौन आने वाले? अभी तो शुरुआत है, सो जैसे कि अभी सुरभि जी आ चुके हैं हमारे बीच, नहरी जी आ चुके हैं जिनकी मूवी कलाकांडी आने वाली है, वो ऑन द रिलीज पे चल रही है, और मेरे काफी फ्रेंड्स आ चुके हैं और काफी सारे ऑन द वे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाय मैं हूँ सुरभि तिवारी और फिलहाल मैं हेल्थ ब्रेक पे हूँ। मैंने लास्ट शो कविता बरजाता किया था सोनी पर, एक रिश्ता साझेदारी का, लगभग वो एक साल शूट किया, और मैं पिछले 24 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ कंटिन्यूसली,
और मेरे डॉक्टर्स कह भी रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा एग्जर्शन में हो, बहुत कंटिन्यूसली बैक टू बैक शोज़ करते हो, दो दो शोज़ करते हो. सो वो काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि तुम एक ब्रेक लो, ब्रेक लो. एंड ऐसा कुछ हुआ कि मुझे ब्रेक लेना ही पड़ा. तो फिलहाल मैं हेल्थ ब्रेक पे हूँ. बात कीजिए आपके फ्रेंड की, आज ईशान का बर्थडे था, क्या कुछ? मैंने ईशान के लिए खुद जाकर शॉपिंग की है उसके लिए, और मुझे पता है उसे क्या क्या पसंद है और क्या क्या वो शोज़ बहुत करता है. मतलब मैं जब भी फ़ोन करती हूँ तो मालूम पड़ा वो इस कंट्री में है या वो उस कंट्री में है. तो मैंने वैसी चीज़ें उसके लिए ख़रीदी है जो उसकी स्टेज शो में उसे हेल्प करेगी, यू नो, बिकॉज ही लव्स द वे ही इज़ एंड आई लव हिम द वे ही इज़, यू नो. तो क्या करना चाहेंगे आप ईशान और प्रीति की स्टाइलिश के बारे में, उनका स्टाइल जो स्टाइल के बारे में, उनकी जोड़ी के बारे में? माइक मतलब बहुत दिन के बाद मुझे इतनी अच्छी जोड़ी देखने को मिली है. एंड दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, यू नो, एकदम सही है एक दूसरे के लिए. इनफैक्ट नॉट ओनली कि जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तब, बट ऑफ स्क्रीन भी, व्हेनेवर यू सी, अगर आप उन्हें स्टेज पे ना भी देखें तो दे आर जस्ट परफेक्ट. दे आर ऑलवेज सिंक्रोनाइज्ड. एंड उनका सोचने का तरीका, उनका करियर को आगे ले जाने का तरीका, इवन घर की छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज मैं तो उनके घर भी जाती हूँ भी पार्टी, तो उनके घर में कैसा सेटअप होना चाहिए, हर एक चीज़ इज़ सो सिंक्रोनाइज. थैंक यू मैम. थैंक यू. एक्चुअली बहुत खुशी है कि आज ईशान का बर्थडे है. खुशी का बहुत खुशी है. हाँ, क्योंकि मेरा नाम भी खुशी है. और सबसे बड़ी बात तो ये कि थैंक यू सो मच आपने हमें बुलाया. थैंक यू सो मच. रहने दो, यहाँ हम रोज ही मिलते हैं और हमें रोज ही इतनी खुशी होती है क्योंकि मैं हूँ साथ में, इसलिए खुशी. हम रोज वाले फ्रेंड्स हैं एक्चुअली. थैंक यू. अभी आपसे जानना चाहेंगे सर, गौरव क्या कहना चाहेंगे? गौरव नहीं, बर्थडे है ईशान भाई का तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो बाकी और एक्चुअली ये इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है आज पूरा दिन मेरे साथ, जो भी प्रिपरेशन है. वाओ, मैनेजमेंट टीम, मी एंड सौरभ, बाकी हमारे भाई बुलिंग हैप्पी बर्थडे ईशान, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे हूँ. एंड भगवान आपको हमेशा खुश रखे जैसे आप रहते हो, और आपको हर चीज वो दे जो आप चाहते हो लाइफ में. और जल्दी जल्दी आप हमें एक बड़ी गुड न्यूज होने वाली है आपकी लाइफ में, जो अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स है हमें पता है उस बारे में, वो जल्दी जल्दी सक्सेस हो. एंड हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है. थैंक यू.